काम से 3 अगस्त तक सार्वजनिक और घरों में लगे निगम के नलों में पानी नहीं आएगा। इसके चलते लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। फिल्टर प्लांट में इंटरकनेक्शन के कारण 48 घंटों का शटडाउन रायपुर में किया गया है। अब तक ऐसी सूचना थी कि यह शटडाउन 3 अगस्त की सुबह समाप्त होगा। इसके बाद 26 पानी टंकियों में पानी भरा जाएगा। शाम को नियमित समय पर पानी सप्लाई शुरू होने का दावा निगम की ओर से किया गया था, लेकिन अभी भी इसे लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। मुख्य अभियंता ने सूचना दी कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में राजधानी वासियों के सामने जहां एक ओर जल संकट बना हुआ है, जल संकट को लेकर जायजा लिया हमारी संवाददाता मोनिका दुबे ने। इंटरकनेक्शन को लेकर राजधानी में 1 तारीख से 3 तारीख तक जल आपूर्ति जो है वो निगम की ओर से वो है नहीं की जाएगी, इसकी सूचना दी गई थी। मैं आपको दिखा देना चाहूँ कि अभी हम फिल्टर प्लांट भाटागांव के बाहर में मौजूद हैं, जहाँ पर जो 26 टंकियों को बंद किया गया है और साथ ही पूरी राजधानी को इस चीज़ का सफ़र करना पड़ रहा है। कल से ही राजधानी वासी जो हैं वह पानी की समस्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और बहुत ही ज़्यादा उन्हें जो परेशानियों का सामना जो है वह करना पड़ रहा है। और अभी हम आपको ये बता दें कि अभी जो एक और बड़ी खबर है कि 3 तारीख की सुबह को जो है शटडाउन चालू किया जाएगा, ऐसी खबरें थी, लेकिन अभी यह पूरी तरीके